तो दोस्तों आप इस स्टूडियो में जो भी देख रहे हो, यहाँ पे जो बुक सेल्फ है वो भी नकली है, जुटके में हम हटा सकते हैं। यहाँ पे जो आप लैंप देख रहे हो दोस्तों, ये भी नकली है, इसको भी चुटके में हम हटा सकते हैं। यहाँ पे जो फ्लावर प्लांट आप देख रहे हो, ये दोनों भी नकली है, तो इन दोनों को भी हम इजीली हटा सकते हैं। चलिए इसको भी हटा देते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टूडियो हमने बनाया है वो AI के मदद से आप भी इजीली बना सकते हो इस वीडियो ट्यूटोरियल को आप देख के, और ये बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों। इसमें कोई भी आपको कॉस्ट चार्ज नहीं लगता है, फ्री में आप इस स्टूडियो को बना सकते हो इजीली। आपके पास नॉर्मल वॉल है, आप पर्दा भी टांग के अगर वीडियो बनाते हो उसमें भी ये सब कर सकते हो क्रिएटिविटी। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे AI के मदद से हम कैसे बहुत ही एक अच्छा सा स्टूडियो बना सकते हैं और उसमें वीडियो भी शूट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं PC स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जानते हैं कैसे हम एक AI वाला स्टूडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं PC स्क्रीन में। हमें जो चाहिए होता है एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जो आप यूज़ कर ही रहे होंगे, फिल्मोरा हो, प्रीमियर प्रो हो, जो भी हो। तो उसमें जाके हमें जो हमारा रॉ फुटेज है उसको डाल लेना है और उसमें से एक स्क्रीन शॉट हमें पहले ले लेना है। तो चलिए हम स्क्रीन शॉट ले लेते हैं हमारे जो फुटेज है। तो और एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, आप जितने एरिया में आपका जो हिलना डुलना है, आप कितने एरिया हाईएस्ट जो एरिया रहेगा उस एरिया को आपको स्टॉप करके उसी का स्क्रीनशॉट लेना है। पहले तो वीडियो को एनालिसिस कर लेना है कहाँ पे आपका वो एरिया है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे है हमारा वो एरिया जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा हाथ स्ट्रेच है। हम JPG फॉर्मेट में एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हमारे प्रीमियर प्रो में। हम यूज़ कर रहे हैं प्रीमियर प्रो, आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करिए उसमें हो सकता है। तो यहाँ पे JPG सिलेक्ट करके हम ओके कर लेंगे तो हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे हो चुका है। चलते हैं आप AI वाला सॉफ्टवेयर पे जहाँ पे हमें मेन काम करना है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे Adobe Firefly, जिसमें कि हमें AI वाला जो फंक्शन है वहीं पे मिलता है Adobe Firefly। इसमें फ्री तो है दोस्तों, कुछ लिमिटेशंस है। पहले फुल फ्री था जब लॉन्च हुआ था, तो अभी 2 महीना हो चुका है तो अब थोड़ा लिमिटेशन कर दिया है। तो इंडिया इंग्लिश कर लेंगे हम यहाँ पे जाके, और यहाँ पे हमें गेट Firefly फ्री में क्लिक कर देना है। तो हम गेट Firefly फ्री में क्लिक कर देंगे और हमारा यहाँ पे एग्री कर देंगे। इनका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि हमें एग्री करना है। तो यहाँ पे हमें जेनरेट पे क्लिक कर देना है। तो हमें यहाँ पे हमारा जो इमेज था उसको अपलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इस इमेज को अपलोड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मेन जो हमारा खेल है वही यहीं पे है। तो चलिए यहाँ पे आप ब्रश सेटिंग भी कर सकते हैं, आप चाहे तो साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हमारा जो एज इट इज़ है नॉर्मल है उसी में हम करेंगे। तो ऐड करना है हमें कुछ भी सब्जेक्ट, तो ऐड में रहने देना है। सबट्रैक यानी कि डिलीट करना है, पूछना है तो हम सबट्रैक में करेंगे, तो हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बुक सेल्फ ऐड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें ब्रश से यहाँ पे साफ कर लेना है एक हिसाब से, क्योंकि ये PNG टाइप, देखिए PNG टाइप आता है ना। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे एक हिसाब से, इसे सिलेक्ट ही कहेंगे। तो सिलेक्ट कर लेंगे जितना एरिया हमें चाहिए उतना एरिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हमें टाइप करना है बुक सेल्फ और जेनरेट पे क्लिक कर देना है। तो जेनरेट पे हम क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दे देगा। आप चाहे तो मोर पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिया है, तो आप तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो तीनों हमें 3 नंबर ऑप्शन जो है ये बहुत ही अच्छा लगा, तो हम चाहे तो यहाँ पे मोर भी कर सकते हैं। तो मोर पे क्लिक करते हैं, तो मोर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें और भी 3 ऑप्शन आपको दे देता है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कुछ ही देर में आ जाएगा, थोड़ा सा 2-4 सेकंड टाइम लेता है अपलोडिंग होने में। तो आप देख सकते हैं फिर से हमें 3 ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पे और भी है, तो हमें तो पहला जो पेज का 3रा नंबर था उसी को वही अच्छा लगा, तो हम 3रा वाला ले लेते हैं। चलिए बैक कर लेते हैं इसमें एरो में क्लिक करके। तो यहाँ पे हमें 3रा वाला सिलेक्ट कर लेना है, तो कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें 3रा वाला को सिलेक्ट करके यहाँ पे कीप पे क्लिक कर देंगे हम, और तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। तो अब हम और भी कुछ अगर लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक लैंप लगाना चाहते हैं लाइट,
तो चलिए इस जगह को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ जितने एरिया आप सिलेक्ट कीजिएगा उस हिसाब से आपको वो देगा AI ऑटोमेटिकली। तो हम थोड़ा जगह ज़्यादा देते हैं और यहाँ पे हम विंटेज लैम्प सर्च करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने टाइप कर रखा है। तो यहाँ पे हम विंटेज लैम्प को क्लिक कर देंगे जनरेट पे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 रिजल्ट ऑलरेडी दे दिया है। तो चलिए हम तीनों देख लेते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये तीसरी वाला हमें अच्छा लग रहा है, तो इसे हम कीप कर लेंगे। तो ये हमारा एक लैम्प हो गया है। तो यहाँ पे हम इंडोर प्लांट भी लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इंडोर प्लांट भी सिलेक्ट करेंगे, एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। पहले तो हमें एरिया सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे हम एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। जितने एरिया में आप लगाना चाहते हैं उस एरिया को आप सही से सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको टाइप करना है यहाँ पे इंडोर प्लांट हम चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इंडोर प्लांट लिख लेते हैं और यहाँ पे हम जेनरेट कर देंगे। तो आपको तीन ऑप्शन फिर से दे देगा इंडोर प्लांट के लिए। तो हमारा यहाँ पे तीन इंडोर प्लांट का तीन ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या कौन सा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो आपको देखना है कि ज़्यादा आर्टिफिशियल कौन, ज़्यादा नेचुरल जो लगेगा वही सिलेक्ट करना है। तो आपको स्टूडियो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे तीसरी नंबर हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें शैडो भी आ रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट कर ले कीप कर लेंगे। तो ये भी हमारा इंडोर प्लांट भी सिलेक्ट हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि हमारे टेबल पे एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट हो, तो यहाँ पे हम टेबल के ऊपर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम आर्टिफिशियल प्लांट टाइप कर देंगे। आप जो चाहिए जो मर्जी आप लिख सकते हैं दोस्तों, वही आपको दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे तीसरी नंबर को हमें सही लगा, तो हम तीसरे नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, कीप कर लेंगे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो सेटअप है उसका साइड से एक इंडोर प्लांट हमें दिखे, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एरिया और यहाँ पे हमें फिर से टाइप करेंगे इंडोर प्लांट इंसर्ट करके। तो इंडोर प्लांट हमें यहाँ पे टाइप कर लेना है और हम जेनरेट पे क्लिक कर देंगे। और आपको यहाँ जो सही लगे, तो हमें तीसरी नंबर सही लग रहा है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ के हमारा स्टूडियो का जो जो हमें लगाना था हमने लगा लिया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, तो हमारा जो फोटो है वो आ जाएगा। तो अब हमारा काम है फिल्म अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे। तो हम एक्स्ट्रा पार्ट हम हटा देते हैं प्रीमियर प्रो से, जो कि हमें नहीं चाहिए तो हटा देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जो फ़ोटो हमने अभी अभी बनाया है उस फोटो को यहाँ पे लाना है। तो चलिए फ़ोटो को हम इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं दोस्तों उसी में आपका काम हो जाएगा। तो हमारा फ़ोटो इसमें आ चुका है, तो फ़ोटो को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके वीडियो लेयर के ऊपर रखेंगे दोस्तों। वीडियो लेयर के ऊपर में रखे और इसको स्ट्रेच करके हम वीडियो के लेयर के इक्वल कर देंगे। और हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जाना है इफेक्ट कंट्रोल पे। इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे हम यहाँ पे और हमें यहाँ पे मास्किंग करना है। तो यहाँ पे ओपेसिटी आपको मिल जाएगा, तो आप स्क्वायर वाला सिंबल सिलेक्ट कर लें और नीचे इनवर्ट में टिक लगा दें। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो हम जितने एरिया में हम बैठे हुए हैं, हमारा जितने एरिया चाहिए उस एरिया को खाली हमें सिलेक्ट करना है। तो आप जिस एरिया में बैठे हुए हैं दोस्तों उस एरिया को सही से सिलेक्ट करें। ऐसा ना हो कि आप जब हाथ निकाल रहे हैं तो ये जो क्रॉपिंग हम कर रहे हैं, मास्किंग कर रहे हैं, इस मास्किंग एरिया से बाहर चला जाए, तो फिर वो इनविजिबल हो जाएगा। इसीलिए आपको सही से सिलेक्ट करना है ताकि आपका हाथ उसी एरिया में रहे जहाँ पर आप मास्किंग कर रहे हैं।
तो हमारा यहाँ पे मास्किंग कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फेदर मास्क फेदर कर देंगे तो ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हैं, प्ले करके देख लेते हैं सही है कि नहीं, हमारा हाथ तो बाहर नहीं जा रहा है, तो हम सही एरिया में मास्किंग कर लिए हैं। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों यही था हमारा वीडियो, आप एक AI के मदद से कैसे अपना स्टूडियो बना सकते हैं। तो हमने आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया कि आप कैसे एक स्टूडियो बना सकते हैं AI के मदद से। तो आप Adobe Firefly के मदद से ये काम कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ।